ब्राह्मण होने के ऐसे 5 सबूत जो आज भी अस्तित्व में है, इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 5, यह है सुग्रीव की गुफा। इसे सुग्रीव की गुफा इसलिए कहा जाता है, जब हनुमान जी और सुग्रीव का युद्ध होता था तो सुग्रीव यहाँ छुप कर बैठा था। यह गुफा दक्षिण भारत के ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित है। नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु बना रहे थे, राजेश्वरम में आई हुई सुनामी के दौरान ये पत्थर आज भी साधु संतों के पास मिला जाता है। नंबर 5, हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान है जहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान है। इनके पैरों के निशान श्रीलंका, मलेशिया, अलेपाक्षिया, आंध्र प्रदेश पर स्थानित है। नंबर 2, राम सेतु वो है जो श्रीलंका एंड भारत। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ जा रहे थे तो ये श्रीलंका एंड भारत को जोड़ने वाला वो दुआ है, उसी से राम सेतु कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, आपका एक सब्सक्राइब को मोटिवेट कर दो, क्या करो सब्सक्राइब प्लीज। नंबर 1, दोस्तों रामायण काल में एक रावण की सोने की लंका थी और इसकी खूबसूरती देखने बहुत बनती थी। जब श्री राम ने अपने हाथ से रावण की हत्या की तो अब ये लंका कुछ इस तरह थी, और ये लंका श्रीलंका में